सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम किसी भी पूजा में बैठे तो कितनी सारी कामनाएं, कितने सारे मनोरथ रख देते। पहले तमाम मनोरथ कहेंगे, फिर कहेंगे सकल मन ईप्सित, जितने मन में कामनाएं हैं वो सब पूरी हो जाए। ठीक है, सकाम अनुष्ठानों का भी विधान शास्त्रों में है, लेकिन भैया मन की संपूर्ण इच्छाएं, मन की संपूर्ण कामनाएं तो इस जीवन में, तो क्या हम नश्वर देह प्राप्त करके अनंत काल तक संसार को भोगते रहे तब भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी? अजर अमर देह धारण करके अनंत काल तक इच्छाओं को भोग पूर्ति के लिए भोगों को भोगते रहे पर इच्छा पूर्ति नहीं होगी, कभी मन भरेगा नहीं। जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने से अग्नि बुझेगी नहीं, उसी प्रकार संसार में हम जितने भोग भोगेंगे भोगों की इच्छा मिटेगी नहीं। भोगान भुक्ता अभयमेव भुक्ता, तृष्णान जीर्णा अभयमेव जीर्णा। भोग समाप्त नहीं होंगे, हम ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए क्या करें, भगवान की पूजा भी करें तो क्या मांगे? भगवत कैंकर्य प्राप्त्यर्थम श्री राधा कृष्ण चरण कमलयो निर्मल भक्ति प्राप्त्यर्थे श्री सीताराम चंद्र देवता निर्मल भक्ति प्राप्त्यर्थे भगवत कैंकर्य प्राप्त्यर्थम। छोटे से अनुष्ठान में भी हम एक सत्यनारायण कथा घर में करने बैठते हैं, वहां भी तमाम मनोरथ, ये हो जाए वो हो जाए। दर्शन करने जाएंगे तो तमाम मांगों की लिस्ट लेकर के जाएंगे, ये मिल जाए वो मिल जाए। ध्यान रखिएगा, यदि सेवा के बदले कुछ मांग लिया जाए, ले लिया जाए, तो वह प्रेम संबंध, सेवा संबंध नहीं रह जाएगा, वो तो केवल मजदूरी रह जाएगी। हमने आपके यहां कुछ काम किया, आपने बदले में मजदूरी दे दी, तो संबंध कहां रहा? वो तो बस मजदूरी रह गई। एक भक्त ने बड़ी प्यारी बात ठाकुर जी से कही है, प्रभु मैं अगर मांगू कभी, मैं जीव हूं और मांगने की भूल कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे प्यारे प्रभु आप देने की भूल मत करिएगा, आप मुझे मत देना, क्योंकि आज आप एक कुछ देंगे कल कुछ और मांगने की इच्छा हो जाएगी। कि मैं अगर मांगू कभी तो तुम न देना कुछ मुझे, क्यों वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर तो मजदूर बनकर रह गया, मैंने मजदूरी की, आपने मजदूरी दे दी, संबंध कहां रहा? श्री हनुमंत लाल जी महाराज से राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, तुम्हें सेवा के बदले कोई पद ना दे सका। अयोध्या का पद मैंने ले लिया, किष्कंधा का पद सुग्रीव को दे दिया, लंका का पद विभीषण को दे दिया, तुमने इतनी सेवा की, बदले में तुम्हें कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी भावुक हो उठे, हनुमान जी कहने लगे भगवान उन संसार के पदों को मुझे लेकर क्या करना है, जो पद आज रहेगा कल नहीं रहेगा, आज मिल गया कल नहीं रहेगा, मुझे तो ऐसे पद मिला है, ऐसा पद मिला है जो किसी को संसार में नहीं मिलता। कौन सा पद मिला है? बोले संसार के जो पद है ये तो एक ना एक दिन चले जाने वाले, छूट जाने वाले हैं, पर मुझे एक पद नहीं, मुझे तो दो दो पद मिले हैं। कौन सा पद मिल गया? तो पैर को भी पद बोलते हैं, राम जी के दोनों चरणों को पकड़कर हनुमान जी कहते हैं मुझे राम पद मिले हैं और राम जी के चरणों में मुझे सतत स्थान मिला है, और जिसको राम पद मिल जाए उसको संसार के पद से क्या प्रयोजन, मुझे राम पद मिला है। वृत्रासुर का वृतांत श्रीमद् भागवत में है, वृत्रासुर भगवान से क्या मांगता है? वृत्रासुर भगवान से कहता है प्रभो
मैं असुर भाव से संपन्न हूं प्रभो, इस असुर भाव के कारण मुझे जहां भी जन्म लेना पड़े मैं लूं कोई बात नहीं है प्रभो, जहां जहां मेरा जन्म हो बस मुझे जीवन में यह मिले कि आपके चरणों में प्रेम मिलता रहे, आपका सामीप्य ना मिले, आपकी सेवा ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन आपके प्यारे अनुरागी जो भक्त हैं उन भक्तों की सेवा मुझे मिलती रहे।